बसपा खत्म हो रही है सर, तब गांव चलो अभियान चलाया जा रहा है, क्या लगता है पुनः कार्यकर्ता आ पाएंगे? बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने वाले स्वयं खत्म हो जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है, एक आंदोलन है, एक विचारधारा है, पार्टी बाद में है। पहले बहुजन समाज पार्टी एक आंदोलन है और मिशन है। मसीहा मानवर कांसी राम साहब खून पसीने से सींच करके हजारों किलोमीटर साइकिल चला करके पैदल चले, भूखे प्यासे रह करके, और देश का भारत का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश चार चार बार मसीहा मानवर कांसी राम साहब की मेहनत की बदौलत और बहन कुमारी मायावती जी की मेहनत की बदौलत चार चार बार हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाया है। बहुजन समाज पार्टी खत्म होने वाली नहीं है, खत्म करने वाले स्वयं खत्म हो जाएंगे। लगातार वामन मिश्राम का भी बयान आता है कि बसपा को खत्म करना ही मेरा मकसद। ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के एजेंट हैं। जितने भी बहन कुमारी मायावती जी के विरोध में सैकड़ों दल जो रजिस्ट्रेशन कराए हैं, इनका केवल एक मकसद है, ये भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस के ये लोग जो है एजेंट हैं और ये उनसे पैसा ले करके ये समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा का क्या एजेंडा रहेगा सर? बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष देश की महानायिका बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर गांव चलो अभियान के तहत अभी आपने देखा होगा काल प्रतापगढ़ में एक सेक्टर की बैठक में मैं वहां कैडर कैंप लेने गया था और अचानक माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का फोन आया। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी आए थे, लगभग 1.5 से 2 हजार लोग थे एक सेक्टर की बैठक में। आज पूरे उत्तर प्रदेश में जब से पिछड़े समाज के बेटे आदरणीय विश्वनाथ पाल जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, सर्व समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ बड़ी तेजी से जुड़ रहे हैं। और जब 2022 का चुनाव चल रहा था, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये समाजवादी पार्टी के लोग जनता को गुमराह किए और तरह तरह के लुभावने वादे दिए। जनता अब जान चुकी है कि अगर देश व प्रदेश का कोई भला कर सकता है, उत्तर प्रदेश के नौजवान किसानों का कोई भला कर सकता है, तो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। अभी मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि जाति पंडितों ने बनाई, भगवान ने नहीं, क्या कहेंगे? भारत विभिन्न जातो धर्म, यहाँ विभिन्न जात धर्म के लोग रहते हैं, बौद्धिस्ट भी हैं, फारसी हैं, पंजाबी हैं, हम सारे धर्मों का सम्मान करते हैं, हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते हैं।